Amen. Praise God. Yeshua Masih, Parosa Mera, Tu Hi Sahara Hai Mera, Mushkil Samay Mein Tu Hi Dilasa, Saath Rahega Tu Sada. Yeshua Masih, Parosa Mera, Tu Hi Sahara Hai Mera, Mushkil Samay Mein Tu Hi Dilasa, Saath Rahega Tu Sada. Karuna Phalai Tere, Sada Rahegi Mujh Par, Tere Vishwas Yogyata. Dekhunga main umr bhar, main haath uthaakar gaunga, Yeshu tera naam hai uncha. Main haath uthaakar gaunga, Yeshu tera naam hai uncha. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता. देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु थैंक यू. बहुत अच्छी तरह से आराधना की है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए. प्रभु हमें आशीष दे. आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे, और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर जेन जोसेफ है, और मैं उन्हें विनती करता हूँ, आइए
इस मंच पर आकर जो प्रभु ने आपको जो वचन दिया है, वचन हमारे बीच में बोए, ताकि वो वचन हमारे लिए एक आशीष का और उन्नति का कारण बने। वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत है इस कुलम अप्रैल लाइव। थैंक यू ब्रदर, जय मसीह की। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद बोलता हूँ। मैं प्रभु में आशा करता है कि आप सब सकुशल हैं। प्रभु में जीवन से भी बढ़कर प्रभु आपको आगे चला रहा है। जिस तरह हम गीत में गाए और जिस तरह हमारे लीड करने वाले पास्टर ने बोला, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम की महिमा होना है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है और यीशु मसीह के अद्भुत नाम को हर लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही रोशनी है, छुटकारा है, नित्य जीवन है, समृद्धि है, शांति है। इसीलिए यीशु मसीह के वचन की प्रचार हुआ करता है। आज रात को आपसे शेयर करने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में मैथ्यू के किताब 4वां अध्याय उसके 34वां पद, मत्ताई और मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34, वहां ऐसा लिखता है, देयरफॉर डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, कल की चिंता मत करो, फॉर टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ, क्योंकि कल की जो अपनी और चिंताएं होगी, हर दिन की अपनी ही परेशानी होती है। फॉर टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ, ईच डे हैज इनफ ट्रबल ऑफ इट्स ओन। कलाम हमें ये बोलता है कि कल की चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। एक प्रभु के दास होने के नाते बहुत सारे लोगों से मिला करता है, उनके लिए प्रार्थना क्या करता है, गाइड क्या करता है। मैं इन दिनों में प्रभु से विजडम पाने की कोशिश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा था, वचन की अगुवाई ढूंढ रहा था कि कैसे प्रभु जन को लोगों को समझाए कि कल की चिंता नहीं करना है, कल हमारी बस की नहीं है। मैंने देखा कि बहुत लोगों को कल की चिंता है, बच्चों की क्या होगा, अगर मैं नहीं रहेगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे मिनिस्ट्री का क्या होगा। लेकिन कलाम हमें बताता है कि कल की चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। हम अपने परमेश्वर के बारे में बोला करता है, ही इज अनचेंजिंग, यस्टरडे टुडे और टुमारो गॉड इज द सेम। हमारा परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं आता है, गया वाला कल, आज और आने वाला कल एक जैसा रहता है हमारा परमेश्वर। अगर गया वाला कल परमेश्वर हमारे हर जरूरतों के लिए एबल था, समर्थ रखता था, आज के दिन हमारे हर जरूरतों को अगर परमेश्वर ने पूरा किया, तो कल भी जो भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो भी हालात हमारे सामने हैं, हमारा परमेश्वर अनचेंजिंग परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सानिध्य हमारे साथ कल बना था, कल बना हुआ था, आज बना है, आने वाला कल भी परमेश्वर हमारा साथ है। हम जरूर आने वाला कल, टुमारो की जो भी चैलेंज है, उसको परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के साथ ओवरकम करेंगे। उस चैलेंजों को हम परमेश्वर से जो समर्थ हमें मिलेगा, उस समर्थ के द्वारा हम उसे ओवरकम जरूर करेंगे। इसीलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, कलाम में बताता है कि हर दिन
ईच डे हैज इनफ ट्रबल ऑफ इट्स ओन, हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी उस दिन के साथ बना रहता है, कुछ ना कुछ चिंताएं हालात उस दिन के साथ बना रहता है, लेकिन आप उन चिंताओं के पीछे उस हालात के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु ने हमें प्रार्थना करने सिखाया तो हमें बताया कि हर एक दिन की भोजन के लिए प्रार्थना करो, हर एक दिन की जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने आज आपको दिया, आज के दिन प्रभु से हर चीज पाने के लिए, प्रभु के आशीष आपके ऊपर बना रहने के लिए, उस दिन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उस प्रसन्न दिन के लिए जो कुछ जरूरत है वो प्रभु से पूछिएगा, प्रभु आपको स्वर्ग के दरवाजे खोलकर जरूर देंगे। कलाम में एक इंस्ट्रक्शन है, डोंट वरी अबाउट टुमारो, कल की चिंता मत करो। वहां पे और कोई ऑप्शन नहीं दिया, नहीं करने के लिए बोला है, डोंट वरी करके बोला है। अगर आप कलाम पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो कल की चिंताएं दिल से हटा लो। नहीं करने के लिए बोला है, उसे ओबे करो। वरी में आप आपके डर की तरफ फोकस करता है, जब आप वरी करता है तो आपके दिल के अंदर जो डर है उसकी तरफ आप फोकस करता है, परमेश्वर की तरफ नहीं। और आप परमेश्वर की तरफ फोकस करेंगे तो ही आप जिस चीज से डरते हैं उस चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 ऐसा बोलता है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय वर्ड 6, वहां लिखता है कि फॉर द माइंड ऑफ द फ्लैश इज डेथ बट द माइंड ऑफ द स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। बौद्धिक मानव संभोग के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है। बौद्धिक रूप से साधारण मनुष्य के तरह होने वाले संभवों को आधारित करकर जो मन चिंतागुल से भर जाता है उसका अंत मृत्यु है, किंतु आत्मा के वंश रहने वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन की और शांति। जो मन जो बुद्धि आत्मा की वंश में रहता है, आत्मा के अधीन रहता है, जो व्यक्ति आत्मा के माइंड के द्वारा सोचता है, आत्मा से लिखित वचनों के द्वारा सोचता है, उनको जो रिजल्ट मिलता है वो जीवन की है, होप की है और शांति की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के बीच खड़ा होकर और कुछ नहीं बोला, शालेम शालोम शांति करके बोला। हमें प्रभु से जो अदुआ आत्मा में जो चिंताएं मिलता है वो शांति का होता है, आशा की होती है, जीवन की होती है। लेकिन मानसिक मानविक भौतिक संभविक हालातों को हम आधार लेकर अपने चिंताओं को भटकने देता है तो वो हमें तबाही की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ, बर्बादी की तरफ, मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आत्मा के द्वारा, वचन के प्रोमिसों के द्वारा, यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा सोचने समझने और हृदय की विश्वास की आंखें खोलकर प्रभु के द्वारा हम रिसीव करने वाले अद्भुत कार्यों को अगर देखेगा तो हमें हर दिन शांति मिलेगा, हमें हर दिन होप मिलेगा, जीवन मिलेगा। इसलिए मेरा एक हम्बल एडवाइस, इन दिनों में
आत्मा में प्रार्थना करनी सीखिए, आत्मा में सोचने सीखिए, आत्मा में बोलना सीखिए। वजन को दोहराइएगा, वजन में परमेश्वर की समर्थ है। असाध्य हालात के सामने भी आप खड़ा है, वचन को बोलिएगा, वचन के द्वारा क्लेम कीजिएगा, वचन के प्रॉमिस के द्वारा क्लेम कीजिएगा, वचन के प्रॉमिसों के द्वारा आप अपनी चिंताओं को नियंत्रित कीजिएगा। आप देखेगा कि जिंदगी कितना हल्का हो जाता है, कितना शांति आपको मिलेगा। आप परेशान होकर एक बाल को काला या सफेद नहीं कर सकता है। आपको परमेश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और मानसिक तरीकाओं से नहीं, मनुष्य की तरीकाओं से नहीं, आत्मा की तरीका से आपको अपनी चिंताओं को संचालित करना होगा। मैंने एक हम्बल सर्च कलाम के द्वारा कलाम की तरफ कलाम से समझने की कोशिश किया ताकि मैं प्रभुजनों को समझा सके। हाउ डू आई स्विच माई फोकस, कैसे मैं अपने व्याकुलता भरा चिंताओं से अपने फोकस को डाइवर्ट कर सकता। कलाम में हम जब देखता है तो उसका एक ही तरीका है, प्रेयर एंड फास्टिंग। दूसरा कोई तरीका मुझे नहीं दिखा। वक्त लोगों ने जब कभी भी बहुत ही कठिन बड़ा हालातों से गया तो उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया, फास्टिंग का सहारा लिया। इन दिनों में हमें वही चाहिए, परमेश्वर पर फोकस करने के लिए, आत्मा में अपने चिंताओं को संचालित करने के लिए, जीवन और शांति तकलीफ भरा इन दिनों में पाने के लिए हमें प्रार्थना और फास्टिंग ही एक ऑप्शन है, वही एक रास्ता है। दानियल की किताब 9वां अध्याय 3रा वाक्य, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 9 वर्स 3, वहां लिखता है, सो आई टर्न टू द लॉर्ड एंड प्लीड विथ हिम इन प्रेयर एंड पिटिशन इन फास्टिंग। वहां प्रभु के दास लिखता है कि मैं परमेश्वर की तरफ मुख फुरा, परमेश्वर की तरफ मुख किया और प्रार्थना में परमेश्वर से प्लीड किया, याचना किया, मैं फास्टिंग लिया। इसरा की किताब 8वां अध्याय 23वां वाक्य में लिखता है, सो वी फास्टेड एंड पिटिशन्ड आवर गॉड अबाउट दिस एंड ही आंसर्ड आवर प्रेयर। वहां पे इसरा बोलता है कि हम लोगों ने, हमारे चर्च ने, मेरे परिवार ने, मेरे कम्युनिटी ने फास्टिंग में बैठा, प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे, हम सबों को उत्तर दिया, आंसर दिया। इन दिनों में शैतान हमसे चिन्हने वाला एक चीज प्रार्थना और फास्टिंग है। विश्वास कीजिएगा, एक ऐसा अच्छे दिन थे जब नोटिस पे मारने के लिए नहीं, किसी को बोलने के लिए नहीं, 21 डेज 40 डेज किसी को पता भी नहीं चलता था, लोग फास्टिंग में बैठा करता था। कमिटमेंट विद गॉड, अभी तो ये सब पब्लिसिटी के लिए है। शैतान हर उस हथियार को, उसकी रियल इंटेंशन को बदल दिया है। यहां आकर मुझे समझ में आया कि 40 डेज फास्टिंग नोटिस वगैरह में चपता है। मैंने उस चर्च में, उस कम्युनिटी में पूछा कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 40 डेज फास्टिंग लिया, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, इंक्लूडिंग मी नहीं मिला, ना ही वो फास्टिंग के नोटिस छपाया वाला रेस्पॉन्सिबल लोग, नहीं। एक टाइम का आकर 40 डेज फास्टिंग नोटिस में तो ऐसा नहीं लिखा है, 40 डेज फास्टिंग लिखा है। लेकिन प्रभु के वक्त लोगों ने फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, पूरा कम्युनिटी ने ऐसा किया, पूरा परिवार ने ऐसा किया, पूरा चर्च ने ऐसा किया,
और प्रभु स्वर्ग फाड़ कर उतर कर आए उनके बीच में, उन्हें उत्तर दिया। प्रभुजन जो वरी समय सता रहा है, जो डर हमें खाया जा रहा है, इससे निपटने के लिए एक ही रास्ता है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कलाम में तो लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हैं तो दरवाजा बंद करके प्रार्थना क्या करो। कलाम में लिखता है कि तुम मुंह ऐसा मत बनाओ कि दूसरे लोग को पता चले कि तुम फास्टिंग लिया हुआ है। कलाम बोलता है कि तुम परीक्षी की तरह मत रो बनो कि तुम स्ट्रीट में खड़ा होके ये डिक्लेयर करे कि मैं फास्टिंग में है। पता नहीं हम लोग ये सब कलाम भूल गया। इसलिए प्रभु प्रभु स्वर्ग फाड़ कर उतर कर नहीं आता है, जवाब नहीं मिलता है, मुर्दे जीता नहीं है, बीमार लोग चंगाई नहीं पाता है। मुझसे एक सिस्टर ने पूछी, पास्टर क्यों मैं चर्च में आऊं? वही चीज लास्ट वीक हुआ है, कोई डिलीवरेंस नहीं देखता है पास्टर, कोई चंगाई नहीं होता है पास्टर, प्रभु के हाथ नहीं बढ़ाया जाता है कि मेरे आंसू को पोछूं, मैं खाली हाथ लौटता है पास्टर, मैं क्यों आऊं चर्च पे? बहुत दुख लगा वो सुनकर। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है, प्रभु आज भी हाथ बढ़ाता है। मुझे लास्ट वीक एक ब्रदर जो बहुत तकलीफ से और बहुत ही अल्टीमेशन से जा रहा था, उनके सामने एक टारगेट डेट में कुछ करने का है, अदरवाइज हर चीज उलट पुलट हो जाएंगे। लेकिन उस प्रिय ब्रदर के राइट हैंड बहुत पेनफुल है, वो शोल्डर से निकल जाता है, सोफा में बैठकर सोता है। उन्होंने प्रभु से बोला, मैं इस हाथ से कैसा ये चीज करूंगा, बहुत सारे चीज उठाना है, बोझ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है कि वो बहुत सारे हेल्पर को बुला के करे, एक दो हेल्पर उनके साथ है, उनके साथ मिलकर वो काम कर रहा है। इतना पेन होता है, उसने उस दिन सुबह बोला, प्रभु मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ताकत दो, मुझे मुझे छुओ प्रभु, मैं जाता है। आज दो हेल्पर था, वो एक नहीं आया, एक ही है, मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। उसने प्रार्थना कर कर उतर कर सीधा गया, पहला वेट जब उठाया तो बहुत पेन हुआ, दूसरा तीसरा, लेकिन अचानक उसका पेन डिसअपियर हो गया। उसने पूरा आफ्टरनून तक बोझ उठाया, पेन नहीं लगा उसको। उसने मुझे फोन किया, बोला, पास्टर मेरे साथ एक मिरेकल हुआ है, जो हाथ में ऊपर नहीं उठा सकता था, जिस हाथ की वजह से मैं सोफा में बैठ कर सोता था, मैं अभी पास्टर आपसे जब बात कर रहा है तो मैं ऊपर नीचे कर रहा है, मैं दो तीन आदमी उठाने वाला वेट उसी हाथ से अकेला उठाया, मेरा पेन डिसअपीयर हो गया। टूटे हुए प्रार्थना को प्रभु आज भी सुनता है, आज भी मिरेकल होता है, प्रभु हाथ बढ़ाता है, सच्चे दिल की दुआई प्रभु सुनता है। आपको जो डर खाया जा रहा है, जो वरीस आपकी नींद को गायब कर दिया है, सच्ची प्रार्थना ही, सच्ची फास्टिंग ही आपको आत्मा में सोचने के लिए, आत्मा में चीजों को देखने के लिए, आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, वचन के प्रोमिससों के द्वारा, वचन के अनॉइंटिंग के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रभु से आप समर्थ पाना है, आपको स्पिरिचुअल माइंड से ऑपरेट करना है। लेट अस गो बैक टू द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में जाए और प्रभु में, प्रभु के सामने घुटना देखे और केवल प्रभु सुनने दो आपकी आवाज। भजन संगीता वाला बोलता है द ब्यूटीफुल वर्स जो मुझे हमेशा
बहुत ही खुशी देता है. माई आईज आर वीक फ्रॉम सफरिंग लॉर्ड, एवरी डे आई कॉल टू यू. मेरे दुखों के लिए रोते रोते मेरे आंखें सूज गई है. मेरे दुखों के लिए मैं जो दुख से जा रहा है उस दुख इतना कठिन है कि मैं रोता रोता हुआ वो दुख झेलता है और मेरा आंखें सूज गई है. अगला पद सुनिएगा. हे होवा, मैं तुझसे निरंतर प्रार्थना करता हूं. दुख की दौरे से जा रहा, रो रो कर आंख सूज गया, फिर भी भक्त क्या बोल रहा है, सेंट क्या बोल रहा है, मैं प्रार्थना नहीं रोक रहा, मैं निरंतर प्रार्थना करता जा रहा हूं. आगे लिखता है, तेरी ओर मैं अपने हाथ फैलाया रहा हूं. मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैला कर रखा है. यही एक हम्बल भक्त का जिंदगी है. चाहे वो कितने भी तकलीफ से जाए, चाहे वो कितने भी दुखी हो, चाहे रो रो कर उसके आंखें सूज गई हो, तब भी वो निरंतर प्रार्थना में बना रहता है. निरंतर अपने हाथ इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने फैलाता है. क्या एक पल आंखें बंद करेंगे? हर दिन कठिनाइयों से भरा हुआ है, चैलेंजों से भरा हुआ है, लेकिन कल भी हमारा परमेश्वर अपने समर्थ के द्वारा हमें चलाया, आज भी चलाया, कल भी चलाएगा, आने वाला कल भी चलाएगा. हमें कल की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, नहीं करने के लिए बोला है परमेश्वर. आज की जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिएगा, उपवास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो सब एक प्राइवेट चीज रहे परमेश्वर और आपके बीच में. होता ना एक प्राइवेट लाइफ, एक स्पिरिचुअलिटी का भी एक प्राइवेट लाइफ होता है, वेरी बहुत ही प्राइवेट, जो आप और प्रभु के बीच में है. ये उपवास और प्रार्थना सब प्रभु के साथ बिताने वाला प्राइवेट टाइम्स है, वेरी प्रेशियस टाइम्स है. अपना टूटा हुआ हालात को, अपना बिखरा हुआ जिंदगी को, अपना हर्ट को, हर चीज को वहां पे आप प्रभु से बांट सकता है और आप शांति पाएंगे, आप जीवन पर जीवन पाएंगे. प्रभु आपके लिए नया रास्ते तैयार करेंगे और आपकी जिंदगी से प्रभु का नाम ऊंचा रहेगा, प्रभु की महिमा होगा. प्रभु जी हमें वचन की सच्चाइयों से चलाइएगा, हमें वचन की सीख इसलिए दीजिएगा कि हम अपने आप को भूल जाए, हम अपने आप में इनविजिबल हो जाए. परमेश्वर हम तो परमेश्वर में छिपा हुआ है, हम तो तभी प्रकट होंगे जब प्रभु परमेश्वर प्रकट होगा. हमें छिपा लीजिएगा परमेश्वर, आपके नाम ऊंचा रहे परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, हमारा कोई नाम तक ना जाने परमेश्वर. आपने अपने खून से इस कलीसी को सींचा है, इसके ऊपर हम क्या हक मांग सकता है परमेश्वर. आपने अपनी जान देकर, अपने आखिरी बूंद खून देकर सींचा है इसे,
परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों को आप अपने पंगों के नीचे शरण दीजिएगा परमेश्वर, हमें छिपा लीजिएगा परमेश्वर, आपकी अल्पुत कार्य, आपकी अल्पुत सेल्वेशन दूसरों देख पाने के लिए हमें छिपा लीजिएगा परमेश्वर। इन दिनों में हमें शांति और रियल स्पिरिचुअल जीवन में हमें गाइड कीजिएगा परमेश्वर, इस कलीसिया को आशीषवंत कीजिएगा। प्रेयर लाइन लीड करने वाले, प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थ करने वाले, हर हमारे प्यारे भाई बहनों को आप अपने हाथ बढ़ाकर छू कर आशीष और चंगाई और शांति दीजिएगा परमेश्वर। इस प्रेयर लाइन को चलाने वाले हमारे सिस्टर, उनके फैमिली, उनके बच्चों को ज्यादा आशीष दीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन।